बहुत बहुत स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस पे जल्दी आ। जी हाँ, जिन गणपति बप्पा जी का हम एक साल से बेसब्री से इंतजार करते हैं वो लम्हे हमारे पास आ चुके हैं। गणपति जी हमारे साथ आ चुके हैं, हमसे मिलने आ चुके हैं अलग अलग रूप रंग में, अलग अलग वेशभूषा में। और जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी बेकरी में लेके आए हैं जहाँ पे गणपति बप्पा जी का एक अलग सा रूप आपको देखने को मिलेगा। ये गणपति बप्पा जी स्पेशल बेल्जियम चॉकलेट से तैयार किए गए हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं इन पग वाले गणपति बप्पा जी से और इनके शेफ मिस्टर चमन शर्मा जी से, और जानते हैं इतनी क्रिएटिविटी दिखाने के पीछे उनका क्या राज है। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले बताइए, इतने सुंदर पग वाले गणपति जी आपने बनाए हैं बेल्जियम चॉकलेट से, कितना टाइम लगा आपको? इसमें हमारा काफी टाइम लग गया, हम 2-3 दिन से लगातार कंटिन्यूसी के ऊपर काम कर रहे हैं और अभी लगभग रेडी है सारा, थोड़ा सा इसमें कलिंग रहती है और हम कलर इसके ऊपर कर रहे हैं। तो सर, ये जो जितने भी कलर्स हम यहाँ देख रहे हैं गोल्डन कलर, ये एडिबल कलर्स हैं? एडिबल कलर है, सारा एडिबल कलर है जी। और इसकी हाइट भी 2.5 से 3 फुट हो गई है और वेट लगभग 40 से 45 किलो इसका वेट हो गया। तो सर, जैसे हम महाराष्ट्र का सबसे मेन फेस्टिवल ये माना जाता है जी। तो इतना ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, लुधियाना में भी ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि चॉकलेट वाले गणपति जी का आपके माइंड में कंसेप्ट कैसे आया? देखिए, जब हमने भी काफी देखा टीवी पे, पहले इसको बॉम्बे में ही ज़्यादातर गणेश का उत्सव मनाया जाता था और वहीं पे ये विसर्जित होते थे, बट अभी इसकी पंजाब में बहुत डिमांड होगी, स्पेशल लुधियाना में। हम 2-3 साल से लगातार गणेश की मूर्ति बना रहे हैं और काफ़ी लोगों में इसकी खुशी भी होती है कि चॉकलेट के गणेश देख के बड़े खुश होते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रदूषण कुछ नहीं होता। और इसको हम लास्ट में हमने सोचा हुआ इस बार कि इसको पब्लिक के बीच में ही लाइव करेंगे और इसको दूध में विसर्जित करेंगे, और जब ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो इसको प्रसाद के रूप में सबके सामने सबको दिया जाएगा। एक हमने जैसे सुना कि आपको काफी ऑर्डर भी मिल रहे हैं इतने सुंदर गणेश जी बनाने के बाद, तो यहाँ तो गणेश जी आपने जैसे रखा हुआ है जिस टेम्परेचर पे इन्हें, तो जो लोग अपने घर में स्थापित करेंगे चॉकलेट वाले गणेश जी, तो वो कैसे किस टेम्परेचर में रख सकते हैं? देखिए, इसको हम रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, हम एसी में जरूर इसको बना रहे हैं, हमने पूरा इसमें मेंटेन किया क्योंकि थोड़ा साइज भी बड़ा है, लेकिन जो ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं वो थोड़े छोटे हैं तो वो हम इसको रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। एक सबसे मेन क्वेश्चन सर हम पूछना चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इस बार कहीं ना कहीं पे बैन कर दिया है जो गणपति जी हम विसर्जित करते हैं पानी में, पानी बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं हम लोग, तो आप कि कैसे इन जो इतने खूबसूरत गणेश जी बनाए हैं इनका विसर्जन कैसे किया जाए? इसीलिए हमने इसको चॉकलेट से तैयार किया ताकि इसमें कुछ भी वेस्टेज ना हो, और इसको हम दूध में विसर्जित करेंगे और उसको प्रसाद के रूप में पब्लिक में देंगे। पब्लिक में देंगे जी। तो और कुछ सर ऐसा करिए, जाते जाते हम चाहते हैं कि गणपति बाबा मौसम शुरू हो चुका है, तो कैसे विश करना चाहेंगे अपनी तरफ से? हमारी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से और जस्ट बेक की तरफ से जो भी दर्शक इन्हें देख रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं, उनको हैप्पी गणेश। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं कुछ विजिटर से, जो स्पेशली इतने खूबसूरत गणपति बप्पा जी से मिलने आए हैं। तो चलिए, हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैम सबसे पहले बताइए कैसे लग रहा है आपको, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए इतने सुंदर गणपति जी से मिलके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो स्पेशली आज देखने आई हूँ कि शेफ ने जो गणपति जी बनाए हैं वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं उनको। ये बहुत बड़ी बात है कि चॉकलेट के गणेशा और वो रहेंगे कितने दिन हमारी शॉप पे, तो मुझे तो बहुत क्रेज हो रहा है इस चीज को कि ये कैसे मैनेज होगा सारा। आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कोई कंसेप्ट कभी पहले देखा है कि मिट्टी के गणेशा जी तो हम देखते हैं लेकिन ऐसे तो कभी देखे नहीं है, कभी आज तक नहीं देखे हैं। अब ये भी होगा कि शेफ बता रहे हैं कि इनको दूध में विसर्जन करेंगे, तो वो भी हम देखने आएंगे कि कैसे इसको कर रहे हैं वो। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैम लुधियानवी इसको कैसे विश करना चाहेंगे, गणपति बप्पा मोरया? और कोई विश लेना चाहेंगे? बस और सारी विशेस जसबेक को मिली हुई हैं ऑलरेडी, तो हम तो यही कहेंगे कि जसबेक खूब राइस करे, गणपति अपना आशीर्वाद दे उनको। थैंक यू मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप भी स्पेशल गणपति जी से मिलने आए हैं? यस ऑफ कोर्स, मैं गणपति जी को देखने आई हूं। कोई मैं बता ही नहीं सकती इनके बारे में कि कैसे लग रहे हैं, आप ही बताइए, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल मैम। तो आपको कैसे लगा कि सर ने इतना डिफरेंट सा कंसेप्ट को लेके आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल ही डिफरेंट है ये, बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे विसर्जन के बाद मतलब ऑलमोस्ट हमारी फेसबुक पे ये फोटोज आती हैं, वीडियोज आती हैं कि कितना वो पोल्यूट हो रहा है सब कुछ, मतलब वो देख के दुख भी लगता है बहुत ज्यादा। तो इससे ये होएगा कि ये दूध में इन्हें नहाया जाएगा, इनको मेल्ट होएंगे, तो ये प्रसाद भी सबको बांटा जाएगा, ये दी बेस्ट है। तो गणपति जी की तरफ
तरफ से लुधियानवीस को एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए, कोई गणपति की सबकी कहते हैं ना मनोकामना पूरी हो, सबके दुख दूर हो, कोई अपनी तरफ से प्यारा सा मैसेज दे मतलब सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, सब खुश रहे, एंजॉय करें, सब मस्ती करें, और गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सो मच मैम अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा कितने खूबसूरत गणेशा जी हमारे साथ हैं, उनके बीच में हमने देखा कि हाथ में लड्डू का प्रसाद भी हमें देखने को मिल रहा है, और जैसे कि सर ने बताया कि 10 दिन बाद इन्हें दूध में विसर्जित करके यहाँ के लोगों को बांटा जाएगा। तो होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा इन बेल्जियम चॉकलेट से तैयार किए गए खूबसूरत से गणपति बप्पा जी से मिलके। आप सबको टाइम्स पंजाब की एंटायर टीम की तरफ से गणपति महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब की।